नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। जो कोई भी डोज़र की ट्रेनिंग और डोज़र की मशीन लेना चाहता है वो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उन्हें ट्रेन कर सकें और साथ में स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करा सकें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो कार के ओनर्स हैं या जिनके पास टैक्सीज हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है। वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि आपकी गाड़ी का टर्बो लीक हो गया है। अब वो जो टर्बो लीक हो गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि क्या मेरा टर्बो लीक है या मेरी कोई और प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर डिटेक्ट हो सकता है। और बिल्कुल श्योर शॉट जो है ये सॉल्यूशन है टर्बो लीक है या नहीं इस चीज़ को पता करने के लिए। तो यदि हमारी गाड़ी का टर्बो लीक हो गया है वो हमें देखना है, तो उससे पहले हमें कुछ जानकारी टर्बो की चाहिए। तो उसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे पास हमारा टर्बो है। टर्बो में तीन मेन यहाँ पे पोर्ट्स हैं टर्बो में। एक तो सामने से ये आ रही है हवा हमारी, एयर फिल्टर से क्लीन हवा आ रही है, और एक जो है यहाँ से ये निकल रही है एग्जॉस्ट। अब प्रोसेस क्या है, जो थ्योरी है टर्बो की काम करने की, वो क्या है, ये हमारा इंजन है, इससे जो एग्जॉस्ट निकल रही है वो निकल के टर्बाइन पे जाती है। टर्बो में दो व्हील होते हैं, एक टर्बाइन एक कंप्रेसर। टर्बाइन वो है जो घूमेगा, ठीक। तो जैसे ही एग्जॉस्ट उसको टच करेगी टर्बाइन जो है घूमने लग जाएगा। टर्बाइन से ये जो शाफ्ट जुड़ी हुई है इस पर कंप्रेसर व्हील है, जब ये भी उसके साथ घूमने लग जाएगा टर्बाइन के साथ, क्योंकि टर्बाइन घूमा शाफ्ट घूमी तो जाहिर सी बात है कंप्रेसर व्हील भी घूमेगा, तो वो सामने से सक करेगा हवा को और ज़्यादा से ज़्यादा हवा को फिर वो इंजन में पहुंचाएगा। इंजन में ये जो पहुंचा रहा है ये इंटरकूलर के ज़रिए पहुंचा रहा है कि हवा का जो तापमान है, क्योंकि टर्बो ओवरऑल गर्म होता है, वो कम करने के लिए तापमान को इंटरकूलर के द्वारा जो है भेजा जाता है इंजन में, ताकि काफ़ी डिग्रीज जो है टेम्परेचर हवा का गिर जाए और ठंडी हवा इंजन को मिले। तो ये यहाँ पे दो पोर्ट्स हो गए। यहाँ पे तीसरा जो पोर्ट है वो है ऑयल का। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा इंटेक का, ये एग्जॉस्ट का, और यहाँ पे हुआ हमारा ऑयल का। तो ऑयल का चलना बहुत ज़रूरी है टर्बो में, क्योंकि यदि ऑयल नहीं चलेगा तो शाफ्ट जो है वो लुब्रिकेट नहीं होगी तो टर्बो बहुत जल्दी टूट जाएगा गर्म होके। तो लंबे समय के लिए हमारा टर्बो चले उसके लिए ऑयल का चलना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे मेन बात है कि लीकेज हो रही है। लीकेज देखिए तब होती है जब यहाँ पे शाफ्ट डिसबैलेंस हो जाए, अंदर के बुश लीक हो जाए, अंदर की रिंगें लीक हो जाए, तो टर्बो लीक करता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। टर्बो जो है वो काम करता है प्रेशर डिफरेंशियल पे। यहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है एग्जॉस्ट की तरफ, एक प्रेशर बना है और ऑयल का एक अपना प्रेशर है जिससे ऑयल अंदर आ रहा है और आगे की तरफ बह रहा है। तो ये तीनों प्रेशर जो हैं एक पर्टिकुलर, ये तीनों प्रेशर जो है अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे मेंटेन होते हैं। तो ये टर्बो जो है ओवरऑल प्रेशर डिफरेंशियल पे काम करता है। यदि एक भी प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा हो गया तो दूसरी तरफ जो है ऑयल टर्बो फेंक देगा। सपोज़ कीजिए इस पाइप में लीकेज हो गई तो फिर टर्बो ऑयल फेंक देगा, या एग्जॉस्ट की तरफ कोई इस तरह की दुर्घटना हो गई तो वो उस तरफ जो है ऑयल फेंक देगा। तो ये कारण जो है होते हैं ऑयल फेंकने के टर्बो के। अब हमें गाड़ी के ऊपर देखना है कि वो लीक कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको ये टर्बो का हमारा, देखिए ये कंप्रेसर व्हील का साइड है, ये पाइप है, ये हमने इस पे से हटा दिया, ठीक। हो सकता है ये पाइप भी लीक हो, अभी के लिए हटाया। और हटाते ही हमने देखा कि टर्बो में यहाँ पे देखिए ऑयल जो है साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ऑयल है। तो ऐसा लग रहा है कि टर्बो जो है लीक हो गया। अब यहाँ पे जब इस शाफ्ट को हम जो है हिला के देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा चाल हमको मिलेगी, तो ऐसा लगेगा भाई ये इसकी कोर डलेगी। लेकिन छोटी गाड़ियों की यानी जो पैसेंजर कार है उसकी टर्बो की जो कोर की जो चाल है वो ज़्यादा ही होती है, वो डायनेमिकली बैलेंस होती है। डायनेमिकली बैलेंस होने का मतलब है एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए ऑयल टर्बो में आ जाए फिर वो ऑयल शाफ्ट को बुश में जो है बैलेंस करता है, तो फिर वो चाल जो है कम हो जाती है। लेकिन अगर खड़ी गाड़ी में देखेंगे तो चाल ज़्यादा दिखेगी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी देखेंगे हम, ये यहाँ पे हमने देखा तो ऐसा लग रहा है कि चाल बहुत ज़्यादा है और अब इसकी कोर जो है बदलनी चाहिए। और इतना देख करके कस्टमर भी संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये कोर जो है इसकी बदली जाएगी। कोर बदलने के बाद भी लीकेज का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं होता।
अब क्या है, अगर हमें सच में देखना है कि लीक कर रहा है कि नहीं, तो इस हालत में गाड़ी को स्टार्ट करें, आइडलिंग पोजीशन में देखें, यहाँ से तेल नहीं आना चाहिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल तेल नहीं आना चाहिए, फुल रेस पे भी तेल नहीं आना चाहिए, तो हम मानेंगे कि हमारा कंप्रेसर साइड से टर्बो लीक नहीं हो रहा है। तो इसको स्टार्ट करके देखेंगे। आइडलिंग पोजीशन पे बिल्कुल भी जो है टर्बो लीक नहीं कर रहा है। अब आइडलिंग पोजीशन पे हमने देख लिया, आइडलिंग पोजीशन के बाद फुल रेस दे करके देखेंगे कि टर्बो लीक कर रहा है या नहीं। दोनों ही कंडीशन पे देख लिया, दोनों कंडीशंस पे देखने के बाद ये पता लगता है कि नहीं, टर्बो लीक नहीं कर रहा, एक बूंद भी ऑयल टर्बो में से बाहर नहीं आया, तो कंप्रेसर साइड जो है वो बिल्कुल ठीक है। यदि हमें टर्बाइन साइड का देखना है कि वो लीक कर रहा है या नहीं, तो बहुत ही सिंपल एक रास्ता है, ये जो टर्बाइन साइड का जो पाइप है ये आपका साइलेंसर में आता है, आप साइलेंसर में पीछे जा कर के देख सकते हैं, यदि ऑयल आ रहा है साइलेंसर के पाइप में तो इसका मतलब टर्बो जो है पीछे से लीक कर चुका है, ये जो हमारा टर्बाइन साइड है वहाँ से। बाकी मेनली टर्बाइन से लीक नहीं करता ज़्यादा, मेनली जो है आपका कंप्रेसर से लीक करता है, टर्बाइन से भी लीक होता है बट ज़्यादातर कंप्रेसर से होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या हमारा टर्बो लीक है या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, एंड कमेंट्स करके आप जो है कोई भी आपका जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।